नवरात्रि का त्योहार 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। अश्विन माह के नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जिसमें देवी के 9 अलग अलग रूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि शुरू होते ही घरों में कलश स्थापित कर लगातार 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा, उपवास और जागरण होते हैं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर किस तरह से करनी चाहिए माँ शक्ति की उपासना और पूजा पाठ, आइए आपको बताते हैं नवरात्र से जुड़ी 10 बेहद जरूरी बातें। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में स्वच्छता के साथ कलश की स्थापना करनी चाहिए। पुराणों में कलश को सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है। कलश को स्थापित करने से पहले एक पात्र लें, जिसमें जौ बोए जा सके। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र और स्वच्छ मिट्टी का प्रयोग करें। इसके बाद पात्र के बीच में कलश रखें और इसके आसपास जौ के बीज डाल दें। कलश स्थापित करने से पहले कलश को स्वच्छ करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश पर मौली बांधें। इसके बाद कलश को जल में गंगा जल मिलाकर भर दें। कलश में सुपारी, फूल, दूर्वा, घास डालें। कलश को 5 प्रकार के पत्तों से ढक दें। इसके बाद इस पर मिट्टी का ढक्कन लगा दें। मिट्टी के ढक्कन पर चावल के कुछ दाने और नारियल को लाल कपड़े और मौली से बांध कर रख दें। इसके बाद सभी देवी देवताओं और पितरों का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें। नवरात्रि पूजा के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही जौ बोना बेहद शुभ माना गया है। हरे हरे जौ समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ उगने की गुणवत्ता से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर जौ तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं अगर ये बढ़ते नहीं और मुरझाए हुए रहते हैं तो भविष्य में किसी तरह के अनिष्ट का संकेत देते हैं। अग्नि ईश्वर का ही रूप है। दुर्गा माँ की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं एवं इससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अखंड दीप को पूजा स्थल के अग्नि यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है, क्योंकि ये दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। दीप साधना में सहायक तृतीय नेत्र और हृदय ज्योति का प्रतीक है। इससे हमें जीवन के उदरगामी होने, ऊंचा उठने और अंधकार को मिटा डालने की प्रेरणा मिलती है। सुर्ख लाल रंग का ये पुष्प अति कोमल होने के साथ ही असीम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसलिए लाल गुड़हल माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। नारियल के बाहरी आवरण को अहंकार का प्रतीक और आंतरिक भाग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के समक्ष नारियल को तोड़ने का तात्पर्य अहंकार को तोड़ना है। नवरात्रि पूजा में कलश के ऊपर नारियल पर लाल कपड़ा और मौली लपेट कर रखने का विधान है। माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर नहा लें। इस दौरान शांत रहने की कोशिश करें, झूठ न बोलें और गुस्सा करने से भी बचें। इसके साथ ही मन में किसी के लिए गलत भावनाएं न आने दें।
अपनी इंद्रियों को काबू में रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को न आने दें। नवरात्रि के व्रत, उपवास, बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नियम पालन नहीं हो पाते हैं। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। नवरात्रि का त्योहार अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। मौसम के अचानक बदलने से हमारे खानपान का शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में सात्विक भोजन को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन ना करें, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, सरसों का साग, मशरूम, मांस, मछली, मादक पदार्थ, ठंडा और जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। इसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर ना कर सकें तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को पूजन के लिए पहले आमंत्रण देना चाहिए। कन्याओं के घर में पधारने पर उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाएं। उसके बाद कुमकुम से तिलक करें, लाल रंग की चुनरी उढ़ाएं, माता रानी का ध्यान करते हुए पूजन करें और जो भोजन आपने प्रसाद स्वरूप बनाया है उसे माता रानी को अर्पित करने के पश्चात कन्याओं को खिलाएं। भोजन करवाने के बाद दान दक्षिणा देकर कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उनको प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। शारदीय नवरात्र में दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। वहीं जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा चल रही है उनसे मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा से क्षमा जरूर मांगें।